गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर अनदर वीडियो, सेकेंड वीडियो ऑफ एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। जो हमने कल ग्रामर का वीडियो पढ़े थे, उसके आगे से हम सेकेंड वीडियो में यहाँ से शुरुआत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने कल पढ़े थे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, लेट्स मूव काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हमने कल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे। सबसे पहले देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। अ सिंपल सेंटेंस अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज असर्टिव सेंटेंस, यानी बयानिया जुमला, जो सादा बयान होता है, स्टेटमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं, सादा जुमला या बयानिया जुमला, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और ये टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस बयानिया जुमले की कितनी किस्में हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव किसे कहते हैं, इकरारिया जुमला, यानी जिसे आप मानते हैं, समझते हैं। इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अ सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस एन इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस, एक सादा मुस्बत जुमला जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, संजना इज परहैप्स राइट, संजना सही है। दूसरा है अर्गन लर्न्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्गन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखी। अब यहाँ देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस डिस्क्राइब्स निगेशन, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें इनकार का कोई लफ्ज़ आ जाए उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि शी डिड नॉट एक्सेप्ट, वो कबूल नहीं करेंगी। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले। सवालिया जुमले कैसे किसे कहते हैं, अ सेंटेंस इन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड कॉल्ड एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे जुमले जिसमें सवालात पूछे जाते हैं उसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। इसमें भी दो किस्में हैं। पहला है WH क्वेश्चन, उसके एग्जांपल्स क्या है, हु आर यू यानी तुम कौन हो, वेयर आर यू तुम कहाँ हो, हाउ आर यू तुम कैसे हो। एक सादी एग्जांपल्स दी गई है आपको समझने के लिए, एकदम बहुत ही आसान है। यानी ये क्या है, WH क्वेश्चन। उसके बाद है वर्बल क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन। ये वर्ब से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब में आमतौर पर इसका इस्तेमाल होता है। जैसे इज़ इट ट्रू, इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इससे बनने वाला सेंटेंस ये हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला वर्बल क्वेश्चन हो गया। इज़ इट ट्रू, आर यू देयर, आर भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। डू यू नो, तुम क्या तुम जानते हो। डू भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब देखेंगे नेक्स्ट वाला WH क्वेश्चन की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। वेयर आर यू गोइंग माई फ्रेंड, मेरे दोस्त तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हाई आर यू लिसनिंग टू मी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। हु इज़ योर क्लोज फ्रेंड, तुम्हारा करीबी दोस्त कौन है। विच इज़ माई बुक, मेरी किताब कौन सी है, मेरी बुक कौन सी है। होम डू यू कॉल, तुम किसे फ़ोन कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। हुज़ बुक्स आर दीज, ये किताबें किसकी है। अब देखिए ये जो है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, व्हिच, होम, हुज़, ये सब क्या है, ये WH वर्ड है जिसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, और इससे आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं। नेक्स्ट वाला है वर्बल या यस नो क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन, यानी जो हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाने वाले क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे। दूसरा है शैल आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलूँ। डू यू वॉन्ट टू टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो। इज़ ही नॉट कमिंग टूडे, क्या वो आज नहीं आ रहा है। हैव यू टेकन मील्स, क्या तुम खाना खा चुके। डज ही लाइक फास्ट फूड, क्या उसे फास्ट फूड पसंद है। आर यू ऑल राइट ब्रदर, दोस्त क्या तुम ठीक हो। हैज़ शी स्पोकन टू यू, क्या वो तुमसे बात कर चुकी। अब देखिए जिसमें विल, शल, डू, इज़, हैव, डज, आर, हैज़, ये सारे वर्ड्स जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स है, यानी वर्बल क्वेश्चन बनते हैं इससे। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनेगा, व्हाट या हाउ से स्टार्ट होगा, उसके बाद एडजेक्टिव लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे,
और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, फजाइया निशान लगाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, वो कितनी खूबसूरत लड़की है। हाउ प्लीजेंट इट वाज, कितना खुशगवार माहौल था। व्हाट अ यूज़फुल बुक इट इज़, कितनी मुफीद किताब है ये। हाउ वंडरफुल द ताजमहल इज़, ताजमहल कितना ये देखिए वंडरफुल इस्तेमाल किया जाता है अजूबे के लिए, कितना अजीब है कहने के बजाय कितना बड़ा अजूबा है भी कह सकते हैं। वाह हाउ इंटरेस्टिंग, अब देखिए वाह जो ऐसे इस्तेमाल हुआ है WHA, ये एक इंटरजेक्शन है। वाह हाउ इंटरेस्टिंग यानी कितना दिलचस्प है। हुर्रे वी वन द मैच, यहाँ पर खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हम मैच जीत गए। अलास वी वेर रुइंड, अलास के माने होते हैं अफसोस, सद अफसोस, वी वेर रुइंड, हम तबाह हो गए। व्हाट अ डेंजरस थिंग, कितनी ख़तरनाक चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस डेट एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, डिज़ायर और एन इंस्ट्रक्शन। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई कमांड यानी हुक्म दिया जाए, रिक्वेस्ट दरख्वास्त की जाए, ऑर्डर यानी दरख्वास्त हुक्म दिया जाए, डिज़ायर कोई ख्वाहिश जाहिर की जाए और एन इंस्ट्रक्शन या फिर कोई इत्तला दी जाए, तो उसे क्या कहेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया जुमला। डोंट मेक नॉइज़ यानी आवाज़ ना करो, डोंट डिस्टर्ब मी मुझे परेशान ना करो, डोंट प्लक फ्लावर्स फूल ना तोड़ो। अब देखिए डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंस है, उसके बाद वर्ब से शुरू होने वाले, शट द डोर यानी दरवाज़ा बंद करो, गेट आउट ऑफ द क्लास क्लास से बाहर चले जाओ, जमात से बाहर जाओ, कंप्लीट योर होमवर्क अपना होमवर्क मुकम्मल करो। अब देखिए तीसरा यहाँ पर ये प्लीज़ से शुरू हो रहा है, प्लीज़ गिव मी अ चांस यानी रिक्वेस्ट है, मुझे एक मौका दीजिए मेहरबानी करके, प्लीज़ फॉरगिव मी मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर है कम एंड प्ले विथ मी, शूट द एनिमी, ये भी वर्बल सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। इससे पहले का जो वीडियो था इंग्लिश ग्रामर का, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर का, वो हम इससे पहले बना चुके हैं। अब लेसन 2 है ये, लेसन 1 के लिए आप लिंक में जा सकते हैं या फिर हमारे सर अब्दुल सत्तार खान इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आप देख सकते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि हम इसी किस्म के बेहतरीन वीडियो आपको लेकर आ सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।